subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना मजीद 5 अफराद की जान ले गया, वायरस से 3,23,452 शहरी मुतासर। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों के दौरान मजीद 440 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे मुल्क में कोरोना के मुसद्दिका केसेस की तादाद 3,23,452 हो गई। समझ रही हूँ क्या खेल खेला जा रहा है। मरियम नवाज का कहना है कि जिसकी मुदैयत में मुकदमा दर्ज किया गया वो वकास अहमद खान दहशतगर्दी की अदालत का मफरूर है। अगर हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करें, हमें सब समझ आ रहा है क्या खेल खेला गया। नवाज शरीफ की बजरी इश्तहार तलबी के अदालती अहकाम पर अमल दरामद शुरू। अलजीजिया स्टील मिल्स और इवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की तलबी के लिए अखबारात में इश्तहार लगा दिए गए। दोनों इश्तहारात अदालती अहकाम की रोशनी में कराए गए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर सफदर को जमानत पर रिहा कर दिया गया। मोहम्मद जुबैर का कहना है कि वजीर आला सिंह का कहना है उन पर दबाव डाला गया है। मुराद अली शाह ने कहा कि पुलिस पर रियासत का शदीद दबाव है। इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स और पुलिस में झड़प। डी चौक पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना 6वें रोज भी जारी है। पुलिस ने धरने की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर और खारदार तारों से सील कर दिए हैं। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 340 कोरोना मरीज सेहतियाब हुए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से सेहतियाब अफराद की तादाद 3,07,409 हो गई। कोरोना की तशखीस के लिए मुल्क में 24 घंटों के दौरान 27,091 टेस्ट किए गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से मजीद 5 अफराद जाबहक हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों के दौरान मजीद 440 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे मुल्क में कोरोना के मुसद्दिका केसेस की तादाद 3,23,452 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 340 कोरोना मरीज सेहतियाब हुए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से सेहतियाब अफराद की तादाद 3,07,409 हो गई। कोरोना की तशखीस के लिए मुल्क में 24 घंटों के दौरान 27,091 टेस्ट किए गए। मजमूई तौर पर अब तक पाकिस्तान में 41,01,115 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 5 अफराद के इंतकाल के बाद पाकिस्तान में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 6,659 हो गई, जबकि 526 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। NCOC का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना के फॉल केसेस की तादाद 9,384 है, जबकि मुल्क भर के 735 अस्पतालों में कोरोना के 789 मरीज ज़ेर इलाज हैं और 74 मरीज मुल्क भर में वेंटिलेटर्स पर रखे गए हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि एक लम्हे के लिए भी मुझे ये नहीं लगा ये सिंध हुकूमत की कार्रवाई है। किसी ने कराची में गिरफ्तारी से तासुर देने की कोशिश की कि दरार आ जाएगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है वो समझ रही हैं कि क्या खेल खेला जा रहा है। इतने लोगों में कत्ल की धमकी की आवाज कैसे आ गई, जिसकी मुदियत में मुकदमा दर्ज किया गया वो वकास अहमद खान दहशतगर्दी की अदालत का मफरूर है। अगर हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करें। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि एक लम्हे के लिए भी मुझे ये नहीं लगा ये सिंध हुकूमत की कार्रवाई है। किसी ने कराची में गिरफ्तारी से तासुर देने की कोशिश की कि दरार
आ जाएगी। मरियम नवाज ने कहा कि हमें सब समझ में आ रहा है, क्या खेल खेला गया, क्या मकासद थे, हम तैयार हैं, हमें पता है इस तरह की चीजें हो गई हैं। एक लम्हे को भी मुझे ये नहीं लगा कि ये सिंध हुकूमत की कार्रवाई है, और अगर किसी ने कराची की ज़मीन पर कराची में उनको गिरफ्तार करके ये तासुर देने की कोशिश की है कि शायद पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में या पीडीएम में दरार आ जाएगी, तो आप तो नासमझ हो सकते हैं, आप तो बेवकूफ़ हो सकते हैं। हम भी बच्चे नहीं हैं, हमको सब समझ आ रही है कि ये क्या खेल खेला गया और इसके पीछे क्या मकासद थे। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और ईवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की तलबी के लिए अखबारात में इश्तहारात लगा दिए गए। सजा मौतली और जमानत के बाद अपीलों पर समाअत की पैरवी के लिए नवाज शरीफ पेश नहीं हुए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नवाज शरीफ की बजरिया इश्तहार तलबी के अदालती अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और ईवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की तलबी के लिए अखबारात में इश्तहारात लगा दिए गए। दोनों इश्तहारात अदालती अहकामात की रोशनी में कराए गए। इश्तहार में कहा गया कि ईवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 6 जुलाई 2018 को 10 साल कैद और 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई गई। उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दिया गया। ईवन फील्ड रेफरेंस में 19 सितंबर 2018 को नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल हुई तो वो जेल से जमानत पर रिहा हुए। ईवन फील्ड रेफरेंस में अपील जेरे समाअत है। समाअत के दौरान नवाज शरीफ अदालत में पेश होने के पाबंद थे। नवाज शरीफ की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए जिसकी तामील न हो सकी। नवाज शरीफ 24 नवंबर को अदालत में पेश हों। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद और 1.5 अरब रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 8 हफ्तों की जमानत मंजूर की गई। सजा मौतली और जमानत के बाद अपीलों पर समाअत की पैरवी के लिए नवाज शरीफ पेश न हुए। नवाज शरीफ के वारंट्स जारी किए गए जिनकी तामील न हो सकी। अदालत रिपोर्ट से मुतमईन है कि नवाज शरीफ मफरूर हैं, जानबूझकर अदालती कार्रवाई से खुद को छुपा रहे हैं। नवाज शरीफ को बजरिया इश्तहार तलब किया जाता है, वो 24 नवंबर को अदालत में पेश हों। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबेर का कहना है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को दरवाजे तोड़कर गिरफ्तार किया गया। हम सियासी लोग हैं, सियासी तौर पर जवाब देंगे। वफाकी हुकूमत ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का कहना है कि वजीर आला सिंध का कहना है उन पर दबाव डाला गया है। मुराद अली शाह ने कहा कि पुलिस पर रियासत का शदीद दबाव है। मोहम्मद जुबैर ने अजीज भट्टी थाने के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से बात हुई है। उनका कहना है कि गिरफ्तारी में सिंध हुकूमत का कोई हाथ नहीं। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि रियासत की जानिब से ऐसा ऑपरेशन किया गया जैसे दुश्मनों के साथ किया जाता है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गैर कानूनी तरीके और गलत दफात लगाकर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि मैं साबिक गवर्नर हूं और मुझको थाने के अंदर नहीं जाने दिया गया। वकला तक को थाने के अंदर न जाने दिया गया, न ही मुलाकात करने दी गयी। मोहम्मद जुबैर ने बताया कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को दरवाजे तोड़कर गिरफ्तार किया गया। हम सियासी लोग हैं, सियासी तौर पर जवाब देंगे। वफाकी हुकूमत ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। मैं यहाँ आधे घंटे से ज्यादा हो गया मैं खड़ा हूँ। वो कोई अंदर से बाहर आके बात उससे बात गेट के थ्रू बात करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब इतना डर खौफ है। एस एक्स गवर्नर क्या मुझे ये अलाउ नहीं है कि मैं एक थाने के अंदर जा सकता हूँ? वो मैं भाई अगर आप इतना डरते हैं तो मुझे चेकिंग कर लें कि मैं बंदूकें या कोई बम तो नहीं लेके जा रहा। बाद अज़ां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को जमानत पर रिहा कर दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना था कि मजार कायद के सामने वोट को इज्जत देने का वादा किया। झूठे केसेस हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। लेडी हेल्थ वर्कर ने हुकूमत को मुतालबात पूरे करने के लिए एक और डेडलाइन देते हुए पार्लियामेंट की जानिब मार्च करने का ऐलान कर दिया। सदर लेडी हेल्थ वर्कर रुखसाना अनवर का कहना है कि कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत में लेडी हेल्थ वर्कर्स ने पार्लियामेंट की जानिब मार्च करने का ऐलान कर दिया और उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई। इस्लामाबाद में डी चौक पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना छठे रोज भी जारी है। पुलिस ने धरने
की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर और खारदार तारों से सील कर दिए। पुलिस ने मजीद लेडी हेल्थ वर्कर्स को धरने की तरफ आने से रोकने की कोशिश की तो हेल्थ वर्कर्स इश्तियाल में आ गई और उनके पुलिस के साथ झड़प हुई और हेल्थ वर्कर्स ने पुलिस की सेफ्टी किट्स को खींच कर फेंक दिया। इस दौरान धक्का लगने से एक वर्कर जख्मी हो गई। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने हुकूमत और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए पुलिस पर डी चौक जाने से रोकने का इल्जाम लगाया। धरने के बायस इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने हुकूमत को मुतालबात पूरे करने के लिए एक और डेडलाइन देते हुए पार्लियामेंट की जाने मार्च करने का ऐलान कर दिया। सदर लेडी हेल्थ वर्कर रुखसाना अनवर का कहना है कि कोई भी रुकावट हमें नहीं रोक सकती। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।